हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ी टोस्ट। और चीज़ी टोस्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं, सबके फेवरेट होते हैं। चीज़ तो सबका ही फेवरेट होता है। और चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं चीज़ी टोस्ट बनाने के लिए कौन से इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होंगे। इसके लिए मैंने लिया हुआ है आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, चीज़ स्प्रेड लिया हुआ है, ये चीज़ स्प्रेड है, आप अपना कोई भी मनपसंद चीज़ स्प्रेड ले सकते हैं, आधा छोटा चम्मच रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, आधा छोटा चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया हुआ है, एक वन लार्ज टमाटो लिया हुआ है, थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिलीज ली हुई हैं चॉप करके रखी हुई हैं, और एक मैंने छोटा ऑनियन छोटा साइज ऑनियन लिया हुआ है, और ऑयल लिया हुआ है टोस्ट को सेकने के लिए। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि कैसे बनते हैं हमारे चीज़ी टोस्ट। तो इसको सबसे पहले बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ चार स्लाइस लिए हुए हैं ब्रेड के। ये देखिए मैंने ये दो स्लाइस लेनी है ब्रेड के, और ये जो सबसे पहले मैं चीज़ को इस बाउल में डालूंगी चीज स्प्रेड, आप कोई भी अपना मनपसंद चीज स्प्रेड ले सकते हैं। ये मैंने सिंपल फ्लेवर का लिया हुआ है, और अब इसमें मैं डालूंगी टमाटो ऑनियन ग्रीन चिली टमाटो और सारे मसाले मिक्स करके मैं ऐड कर लूंगी। ये रेड चिली है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, और गाइस आप ये ध्यान रखें ये जो मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ ये थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि चीज में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, सॉल्टी होता है चीज। और रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, यानी अब इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लूंगी। ये देखिए ये हमारा चीज़ी मिक्सचर बनके तैयार हो गया है हमारे चीज़ी टोस्ट के लिए। गाइस आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप कोई भी अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स ले सकते हैं, चाहे तो आप खीरा भी ले सकते हैं। चलिए अब हम इसको ब्रेड पे लगा देंगे। ये देखिए और इसको दूसरी सिलाई से कवर कर लेंगे। ये मैंने तवा रख दिया है गरम होने, और इसको धीमी आंच पे हम सेक लेंगे। इसी तरह मैं अपनी दूसरी ब्रेड की स्लाइस भी तैयार कर लूँगी। ये मैंने दो ब्रेड स्लाइस लिए, अब इस पर मैंने मिक्सचर लगाया, इसे अच्छे से स्प्रेड किया, ये देखिए ये लग गया है। अब इसको मैंने इससे दूसरी स्लाइस से कवर कर दिया। चलिए अब हम देखते हैं हमारा ब्रेड
सिक्के तैयार हुआ कि नहीं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे। मैं इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। देखिए इसी तरह मैं इसको दूसरी साइड भी सेक लूंगी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है टोस्ट। मैं इसे कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये देखिए बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और किड्स तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं। चलिए अब हम चलिए हमारे टोस्ट बन के रेडी। अब हम इसी तरह एक और अपना टोस्ट रख देंगे और ऑयल डाल देंगे। ये देखिए हमारा टोस्ट कितना सुंदर सिका। अब हम इसको दूसरे साइड से भी ऑयल थोड़ा सा ड्रिजल, मैं थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा ड्रिजल करके दूसरी तरफ से भी इसे रोस्ट कर लूंगी। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, पर ये व्हाइट ब्रेड के ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप कोई भी अपना मनपसंद ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड। आइए चलिए हम गैस बंद कर लेंगे। हमारा टोस्ट सीख के तैयार हो गया और हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये हमारे चीजी टोस्ट टेस्टी से बनकर तैयार हो गए हैं। गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए ये देखिए हमारे चीज़ी टोस्ट गर्मा गर्म टेस्टी चीज़ी टोस्ट तैयार हैं। आप इसे ज़रूर बनाइए और इसे आप ग्रीन सॉस या टमाटो सॉस के संग सर्व कीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ
दो स्लाइस ली हुई हैं, आप चाहें तो और ब्रेड स्लाइस ऐड कर सकते हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके गाइस।